हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शाइन पर्ल। अच्छा, ये जो मैं वीडियो है, बहुत छोटा वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एक क्विक रिमाइंडर है, एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो बहुत परेशान है। अगर आप परेशान नहीं हो, आप अपने लाइफ में खुश हो, तो ये वीडियो टोटली आप स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के वजह से परेशान हो और बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो और आप सब जगह आप ट्राई कर चुके हो और आपको कहीं से भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कहीं से भी आपको कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, और आप एक सर्टेन पीरियड पे ऐसा आता है कि आप इतना ट्राई कर चुके होते हो और आप एकदम स्टक फील कर रहे हो, आपने हर किसी से मदद मांग के देख ली लेकिन कोई भी आपके काम नहीं आया है, तो अब ये रिमाइंडर आप लोगों के लिए है, कम बैक टू यू। क्योंकि सारे सवालों के जवाब किसके पास है? वो आपके पास है। तो आप जहां ढूंढ रहे थे वहां आपको कभी कोई आंसर नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई बदलाव आए, कोई अच्छा बदलाव आए, मेक श्योर कि आप पहले अपने आप को पहचानो, आपके पावर्स को पहचानो। मैं अपने पूरे वीडियोस में आपको हमेशा एफर्मेशंस के बारे में बोलती हूँ, और वो इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे पता है जो भी चीज़ें हम लोग आसपास देख रहे हैं, जो भी ह्यूमन इन्वेंशंस है, वो सबसे पहले कहाँ तैयार हुए? वो यहाँ तैयार हुए। तो इसका पावर छोटा मोटा पावर नहीं है, ये दुनिया बदल सकता है आपकी भी, अगर आप इस पे फोकस करें तो। अच्छा, मैं इस पे फोकस करे मतलब ये है कि अपने थॉट्स पे जाए, अपने थॉट्स पे फोकस करें कि आप कौन से थॉट्स रखते हैं। अगर सपोज आप अभी पैसों के लिए परेशान हैं, ठीक है, अगर आपको पैसों की दिक्कत है, तो अपने थॉट्स पे जाए कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग को ब्लॉक कर रही है, आपके अच्छे वक्त को ब्लॉक कर रही है। आपको खुद समझ में आएगा। तो अगर आपने सब जगह ट्राई कर चुके हैं और अब आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो गो बैक टू योर सेल्फ, अपने आप पे जाए, अपने थॉट्स पे जाए। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग क्या होता है, ये सीड होता है, ठीक है, हमारा जो थॉट है वो सीड है, और जो हम लोग बाहरी दुनिया में देखते हैं, जैसे कि पैसों की कमी है या कोई प्रॉब्लम है या कोई खुशी है या कोई अच्छे एक्सपीरियंसेस है, दोस्त लोग है, ये जो है ये सब क्या है, ये एक ट्री है, एक पेड़ है। तो अब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेड़ को पानी देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हम लोग रिजल्ट पे जाते हैं, हम लोग पेड़ को पानी देने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ का पत्ता खराब है हमारा, तो हम यहाँ धो साफ करने की कोशिश करते हैं, फिर यहाँ पे ख़त्म होता है तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, तब तक के क्या होता है, आपका ये पत्ता खराब हो जाता है या ये पत्ता खराब हो जाता है। और कभी भी पूरी जिंदगी भी अगर आप लगा लो, तो आप कभी भी अपने पेड़ को साफ नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, आपको सीड को वाटर करना है। और सीड को वाटर आप कैसे कर सकते हो? बाय थिंकिंग पॉजिटिवली। अगर आपने सीड पे फोकस किया, अपने थॉट्स पे फोकस किया, अगर आपने अच्छे थॉट्स रखे, आई गारंटी यू, अगर 5 मिनट भी आपने एक एफर्मेशन किया या एक अच्छा थॉट 5 मिनट के लिए होल्ड किया, जो आप 5 महीनों से परेशान है जिस चीज़ के लिए, आप अगर अपने हेल्थ को लेकर परेशान है, तो स्टार्ट सेइंग योरसेल्फ, अपने आप से कहे, डिलिबरेटली कहे कि आई एम हेल्दी एंड थैंक यू यूनिवर्स। अगर आप लॉर्ड शिवा को मानते हो, तो थैंक यू शिवा, मैं बहुत स्वस्थ महसूस कर रही हूँ, आई एम हेल्दी। स्टार्ट सेइंग दैट इंटरनली। आंखें बंद करिए, कुछ 5 मिनट के लिए टाइमर ऑन करिए, 5 मिनट के लिए आंखें बंद करिए, और ये कहते रहिए कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ, मुझे अच्छा फील हो रहा है, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे अच्छा फील हो रहा है, या मेरे पास बहुत पैसा है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर सॉल्विंग माई प्रॉब्लम, थैंक यू यूनिवर्स फॉर शेयरिंग योर वेल्थ विथ मी। जो भी एफर्मेशन है, आप 5 मिनट के लिए कंटिन्यूसली आंखें बंद करके अपने अंदर दोहराते रहिए। और डोंट फॉरगेट, ठीक है, भूलना नहीं है, थैंक यू करना नहीं भूलना है, ग्रेटफुल होना नहीं भूलना है, जो आपको दे रहा है, यूनिवर्स है, भगवान है, लॉर्ड शिवा है, गणेशा है, अल्लाह है, जीसस क्राइस्ट है, जो भी आप, जिसको भी, जो भी हायर सेल्फ को आप मानते हो, उनको पहले थैंक यू बोलो, उनसे कहो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं अच्छा फील कर रही हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, थैंक यू फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इन माय लाइफ, थैंक यू सो मच। आप यकीन मानिए, 5 मिनट बाद आपका जो वाइब्रेशन है वो इतना ज़्यादा रेज हो जाएगा कि कोई भी परेशानी हो,
कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो अपना मोमेंटम लूज कर देगा, मतलब वो ढीला पड़ जाएगा और वो वहां से हट के आपके सामने सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगे, आपके प्रॉब्लम्स हट के अपॉर्चुनिटीज बन जाएंगी, आपके प्रॉब्लम्स हट के सोल्यूशन पे आप फोकस करना शुरू कर दोगे अपने आप। बिलीव मी, आई हैव ट्राइड इट, मैंने बहुत बार ट्राई किया ये सारी चीजें और मुझे हमेशा फायदा मिला है। क्योंकि जब आप अच्छा फील करते हो तो अच्छी चीजें आप अपने तरफ आकर्षित करते हो, अपने तरफ अट्रैक्ट करते हो। अगर आप बुरा फील कर रहे हो तो आप बुरे लोगों को, बुरे सिचुएशंस को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो आप क्या चाहते हो सबसे पहले वो डिसाइड करिए, और डिसाइड करने के बाद सबसे पहले अपने थॉट पे फोकस करिए। जब आप अपने थॉट्स पे फोकस करोगे और जब आप डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के जबरदस्ती अगर आप कोई थॉट डालते हो, तो क्या होगा, कुछ वक्त बाद आपका दिमाग उसे अडेप्ट कर लेता है। और जब आपका दिमाग अडेप्ट कर लेता है तो क्या होता है, इन्वेंशंस होते हैं, लाइफ बदलने लगती है। ट्राई दिस, ट्राई इट एवरी सिंगल डे, एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर 24 घंटे कर सकते हो ये चीज़ तो प्लीज़ करिए। इससे आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। कोई भी एफर्मेशन काम करने के लिए 3 दिन लेता है, लेकिन अगर आप अच्छा फील करना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे हर चीज़ें आपकी बदलने लगेंगी। तो जस्ट गिव 5 मिनट्स एवरी सिंगल डे। टिल दैट टाइम स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।